शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। कोरोना की वजह से इस बार भले ही पर्व मनाने की परंपरा बदल गई हो, माता के लिए पांडाल न सजाए जा रहे हों, लेकिन देवी माँ के लिए उनके भक्तों की श्रद्धा कहीं कम नहीं हुई है। नवरात्रों के 9 दिन माँ की आराधना की जाती है। कहते हैं माँ 9 दिन तक धरती पर ही वास करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। 9 दिन तक माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। आज हम आपको बता रहे हैं कि 9 दिन तक माँ को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए जिससे माँ प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की कन्या है। इस दिन माँ को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे आरोग्य का लाभ मिलता है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को शक्कर या मिश्री का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माता को दूध से बने पकवानों का भोग लगाएं। नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माता का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन मालपुए का भोग लगाया जाता है। नवरात्र के पांचवे दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को केले का भोग लगाया जाता है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को शहद का भोग लगाया जाता है। नवरात्र के सातवें दिन माँ के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। नवरात्र के आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को नारियल का भोग लगाया जाता है। कहते हैं इससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्र के अंतिम दिन माँ के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को तिल का भोग लगाया जाता है। कहते हैं इससे परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।